गुलबर्गा शहर के सीरम रोड वीरेंद्र पाटिल नगर में बनाए गए फुटबॉल स्टेडियम के नाम के लिए पिछले कुछ दिनों से KDFA फुटबॉल एसोसिएशन के जिम्मेदार नाराजगी जाहिर कर अपने मुतालिबे को पीसफुल अंदाज में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। KDFA यानी कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदारों का कहना है कि गुलबर्गा शहर में काफी इंतजार के बाद एक फुटबॉल स्टेडियम बना है, पर इस स्टेडियम के नाम को लेकर अब तक इनॉग्रेशन रोका गया है। KDFA फुटबॉल एसोसिएशन के हेड कोच फरहान साद, वाइस प्रेसिडेंट मंजुनाथ और दीगर तमाम जिम्मेदारों ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए बताया कि फुटबॉल स्टेडियम का नाम अलखमर स्टेडियम रखने का प्रपोजल दिया गया है, पर KDFA टीम चाहती है कि फुटबॉल स्टेडियम का नाम इंडियन फुटबॉल प्लेयर मरहूम सैयद शाहिद हकीम साहब के नाम से या फिर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में फुटबॉल प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने वाले IPS ऑफिसर एडम मार्टिन सर के नाम से रखा जाए या फिर किसी का नाम न रखते हुए कलबुर्गी फुटबॉल स्टेडियम रखने का मुतालिबा किया गया है। स्टेडियम का नाम अलखमर रखने से इनकार कर KDFA टीम ने कहा, इन्हें खमरुल इस्लाम से या फिर किसी भी पॉलिटिशियन से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। इन्होंने कहा, मरहूम खमरुल इस्लाम एक अच्छे लीडर थे, पर ये चाहते हैं कि फुटबॉल स्टेडियम का नाम एक ऐसे शख्स के नाम पर रखा जाए जिससे फुटबॉल प्लेयर्स को मोटिवेशन मिले। इस मामले पर KDFA टीम ने मजीद क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. Kalaburgi District Football Association ki tamam team yahan par maujood hai. Kuch dinon se hum dekh rahe hain Kalaburgi District Football Association ki taraf se ek ahem mudde par yahan par charcha ki ja rahi hai, jis tarah se Sedam Road par वीरेंद्र नगर पाटिल एरिया में एक स्टेडियम बनाया जा रहा है फुटबॉल के लिए। तो तमाम फुटबॉल एसोसिएशन की टीम यहां पर मौजूद है, उस स्टेडियम के तालुक से बात करना चाहते हैं। तो मैं यहां पर फुटबॉल कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मंजुनाथ सर और हेड कोच फरहान सर इन टीम का यहाँ पर वेलकम करता हूँ गुलबर्गा हेडलाइंस के ऑफिस पर। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप क्या आपका इशू है, किस तरह से आप लोग कई दिनों से उस स्टेडियम के तालुक से बात करें सर जी। जो कई दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि जो नया स्टेडियम जो बनने जा रहा है टर्फ का, उसका नाम अलखमर बोल के रखने का एक ये दिया गया है, तो मेरे पूरी KDFA के जो टीम से एक गुजारिश है कि इसका नाम एक ऐसी पर्सनालिटी का नाम रखा जाए जिसे लोग जिसे यंगस्टर्स इंस्पायर हो जाए, जो स्पोर्ट्स खेले हैं, जो इन इस स्टेडियम के पीछे जिसका हाथ है उसका रखा जाए। जो मैं चाहता हूँ कि अगर इसका नाम अगर SS हाकिम सर के नाम से दिया जाए बोले तो बेहतर रहेगा, नहीं तो एडम मार्टिन सर के नाम से जिन्होंने बहुत मेहनत किया फुटबॉल के ग्राउंड बनने के लिए। हाकिम सर का नाम क्यों बोले तो उन्होंने जो इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था, जो 1951 से जो 62 तक जो इंडिया ने खेला था, वो एशियन गेम्स में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक में। अगर ऐसे दिग्गजों का हम नाम रखे बोले तो एक जस्टिफाई होगा वो स्टेडियम के लिए। और मार्टिन सर का नाम बोले तो गुलबर्गा में जितने भी मतलब फुटबॉल के जो एक्टिविटीज जो क्रेज है अब वो सब अभी जो डेवलपमेंट जो है वो एडम मार्टिन सर की वजह से ही है, तो हम चाहते हैं कि ये दो शख्स के नाम से यह रखा जाए। अगर किसी शख्स का नाम आप रखना नहीं चाहते बोले तो एटलीस्ट वो कलबुर्गी फुटबॉल स्टेडियम रखा जाए, वो जगह का नाम जो है, हमारा यही रिक्वेस्ट है KDFA से। फरहान सर, आप किस तरह से देखते हैं इस इशू को, आप हेड कोच हैं कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के, जिस तरह से यहाँ पर एक प्रपोजल दिया जा रहा है नाम का, खमरुल इस्लाम के नाम से प्रपोजल दिया जा रहा है, तो आप लोग कई दिनों से इसके ऊपर जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है आपको खमरुल इस्लाम का नाम रखने से? वैसे तो देखा जाए तो हमें प्रॉब्लम अलखमर साहब से नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी सोसाइटी को बहुत सर्व किया है, और हर कोई लीडर जो है पॉलिटिशियन लीडर्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर उनकी एक सर्विस होती है जो वो अच्छी तरीके से निभाते हैं, और यहाँ पर गुलबर्गा के अंदर काफ़ी उन्होंने काम भी किया है। वी आर नॉट अगेंस्ट कमरुल इस्लाम सर, क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम हर पॉलिटिशियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज द ओनली थिंग हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स ये काफ़ी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं और दोनों को मिक्स ना किया जाए, दैट इज़ बेटर, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे लाइक पॉलिटिक्स अगर आ गई तो फिर स्पोर्ट्स में भी मजा नहीं है। एंड सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि गुलबर्गा के अंदर 2005 जब मैं फुटबॉल खेल रहा था यहाँ पे, मैंने भी फुटबॉल खेला है कलबुर्गी के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टीम थे और उसमें एक एहतियात जो अभी एहतियात के नाम से क्लब जानी जाती है, एक GSFC गुलबर्गा स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब, और ये दो टीम सिर्फ साल भर प्रैक्टिस करती थी बारिश में, इसमें लाइक हर मौसम में, और सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए ये सोच के वो टीम प्रैक्टिस करते थे हम लोग कि गुलबर्गा का नाम हम बैंगलोर तक लेके जाएंगे और हम स्टेट खेलेंगे।
मैं तो गुलमर्ग से था नहीं, और लाइक फिर भी हम लोग को ऐसा जज्बा था कि नहीं, हम लाइक स्पोर्ट्स में सिखाया जाता है वही यू प्लेइंग, यानी यू नो जहाँ पे तुम हो तो वो उसके लिए पूरी तरीके से अपना 100% दो। तो अब हम सब मिलके ये सोचते थे, कभी भी हम कहीं बिदर खेलने जाते थे या कहीं भी खेलने जाते थे, लोग बोलते थे गुलबर्गा की टीम, मतलब वो स्टैंडर्ड था गुलबर्गा का, उनको फर्क नहीं पड़ता था, और गुलबर्गा का फुटबॉल इतना खास भी नहीं था। तो इस तरीके से लाइक गुलबर्गा का फुटबॉल चलते गया चलते गया, लेकिन हम लोग के पास एक चैनल नहीं था, वी डिड नॉट हैव एनी चैनल वे कि हम उस, अब इसको कैसे लेके जाए। बहुत अच्छी बात हुई कि लाइक अब फिर बाद में जब आइडा मार्टिन सर आए एंड वहां से गुलबर्गा का फुटबॉल कम्प्लीटली चेंज होने लगा। तो सबसे पहली चीज जब हम उनसे मिले, मीटिंग हुई सबसे, तो उन्होंने कहा कि लाइक यू नो डू वन थिंग, व्हाई डोंट वी स्टार्ट एन एसोसिएशन, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ओवर दिस, एंड देन फिर बाद में एसोसिएशन के लिए कम से कम 8 क्लब्स चाहिए। अब वो 8 क्लब्स लाएंगे कहाँ से, फिर सर फुटबॉल खेलते रहे अलग अलग जगहों पे, टीम्स बनते रहे, एंड वहां पे 8 नहीं अप्रोक्सीमेटली 16 to 17 क्लब्स हो गए। KSFA में रजिस्टर किया गया, कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, फिर सर ने गाइड किया। अब यहाँ से जो फुटबॉल की हिस्ट्री शुरू हुई और जो फ्लाइट लेते जा रही है उसका ऐसा वो डिक्लाइन नहीं, वो सीधा हाई पे, इट्स ऑलवेज लाइक यू नो इट्स गोइंग हाई। अब मसला हो गया ये था कि एसोसिएशन तो बन गया, ग्राउंड ही नहीं है, अब ग्राउंड के लिए कहाँ जाए। अब स्कूल का ग्राउंड हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे स्कूल के लाइक डिस्टर्बेंस होगा। तो सर ने परमिशन निकाल के यूनिवर्सिटी में एक पीछे की तरफ ग्राउंड वहां पे बनाया गया, एक और ग्राउंड वहां पे, अब सब बच्चे यूनिवर्सिटी आ नहीं सकते, तो एक बिलालाबाद में एक खाली जगह थी जहां पे बच्चे रात भर जो है ना टाइम पास करते थे या तो फिर फालतू चीजें होती थी वहां पे, वो ग्राउंड को पूरा साफ करवाया गया, वहां पे बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू करे। ठीक है, अब वहां पे छोटे छोटे बच्चे जो फुटबॉल खेलना शुरू करे, और जो फालतू के लोग वो आजू बाजू रात भर बैठे रहते थे मेरे ख्याल से स्मोकिंग करना, ये वो सब कट ऑफ हो गया वहां से, मस्जिद के पास की जगह है वो। सो देन इट्स लाइक वहां पे एक डेवलपमेंट वहां पे भी आया, फिर लाइक यू नो, और फिर हमने जब उसके बाद सर ने क्या किया, टूर्नामेंट हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट आने वाला था, तो हकीम सर की एंट्री हुई वहां पे। अब हकीम सर ने वो टीम को बिगर पैसे चार्ज, अगर आप देखो वो एक इंटरनेशनल कोच के जैसे है। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर गुलबर्गा की बात करो, मैं आपको कोच का बताता हूँ, एक नॉर्मल मामूली डी लाइसेंस कोच अगर मुंबई के अंदर एक सेशन लेने की बात करता है तो 700 रुपीज पर आवर का एक सेशन होता है, एक ही दिन का मिनिमम की बात कर रहा हूँ। हकीम सर इतने जईफ थे, वो हकीम सर ने वो टूर्नामेंट लाइक यू नो टीम को ट्रेन किया, धूप में खड़े रहे एंड ऐसी टीम तैयार की सर हकीम सर मार्टिन सर ने मिलके, वो इंटर डिस्ट्रिक्ट टीम मैच जीती। एक साल नहीं, उनके इंतकाल के बाद भी वो मैच जीते चले गए, 3 साल तक वो टीम का इफेक्ट रहा, सो इट वॉज रियली गुड। उसके बाद तो जब मेरी एंट्री हुई यहाँ पे वापस, मैं जब आ गया गुलबर्गा एंड व्हेन आई सॉ, सो मेरा फोकस ये था कि मैं बच्चों के अंदर डेवलपमेंट करूँ, क्योंकि बड़े की सीनियर की तो टीम तो है, अब ये जूनियर टीम्स को अगर हम स्टार्ट करें तो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग रन। सो जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास अब पैसे भी नहीं थे ना हमारे पास कुछ था, बट लेकिन सर की पता लेती थी कि ग्राउंड की परमिशन हमको यूनिवर्सिटी में मिल गई थी। सो वी स्टार्टेड ट्रेनिंग, और सर ने ये बोला था कि मैंने प्रपोजल भी डाला, इट्स लाइक यू आर वर्किंग ऑन के एक गुलबर्गा के अंदर टर्फ ग्राउंड बनाया जाए। आप यकीन मानो ना मानो, बस वो टर्फ की खुशी से हमारे अंदर है ना एक वो जज्बा था कि अरे गुलबर्गा में टर्फ ग्राउंड आ जाएगा तो फिर लाइक यू नो फैसिलिटीज बढ़ेगी, एंड बच्चे लोगों को ट्रेनिंग जब मिलेगी तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और यहाँ की टीम बहुत अच्छी सुधरेगी। जब से लेके इंतजार ही कर रहे हैं 3 साल हो गया, और वो इंतजार के अंदर लाइक हम मट्टी के ग्राउंड में जो भी भले ही हम खेल रहे हैं, इंसान को अगर खेलने की जगह मिले तो वो कहीं भी टीम तैयार कर देगा, जरूरी नहीं है कि वही ग्राउंड पे हो, बदन इसलिए कहीं भी कर सकता है। तो वो जब खेलना शुरू किया, ट्रेनिंग शुरू की, राफे जैसे बच्चे को हमने इंडिया से सीधा स्वीडन पहुंचा दिया, और वो बच्चा गुलबर्गा का नाम, मैं आपको यकीन मानो वो टाइम पे 2005 में जब ऐसा बोलते थे कि गुलबर्गा की टीम, और आज अगर आप बात करो अरे गुलबर्गा की टीम है, तो इसमें फर्क है। सो यू नो लाइक ये एक ऐसी चीज हो जाती है कि हाँ दिल को खुशी मिलती है, क्यों, क्योंकि जब मैं वो टाइम पे देखता था और जब मैं अब देखता हूँ, अब मैं सर उठा के जो है ना टीम के साथ चलता हूँ, क्या हमारी भी टीम है, गुलबर्गा की टीम है। अब इस दौरान में पूरे इतने साल में जहां पे भी हम गली गली गए, बड़े बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे और सब पॉलिटिशियंस वहां पे आपको देखते हुए मिलते थे कि लाइक अरे वाह क्रिकेट का टूर्नामेंट, स्पॉन्सर मिला है क्या, कितना स्पॉन्सर दिया है, 50,000, 1 लाख, 7 लाख, 2 लाख, विनिंग अमाउंट कितना है, 20,000। फुटबॉल के लिए किसी ने कुछ किया क्या, किसी ने भी कुछ नहीं किया। स्पॉन्सर के लिए मरते आए हम, अरे कोई तो आ जाए, और हम चाहते थे कि ये पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े वो स्टेज पे आए, हमारे बच्चों को लाइक यू नो वो मिले और वो ये सब चीजें करें। फुटबॉल के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, साहब सिर्फ एक मार्टिन सर है और वो हकीम सर है जिसने ये, इन्होंने फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया है। एक आपको वाक्य भी बताता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बच्चा मेरे साथ मुंबई गया,
वो ट्रेनिंग के लिए था, तो हम लोग निकले थे मुंबई के लिए, उसके ट्रायल्स थे। अचानक में उसको कॉल आ गया, संतोष ट्रॉफी का ट्रायल है, बैंगलोर जाना है। अब बैंगलोर जाने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं और उतना टाइम भी नहीं था। सर ने उसको हेल्प किया था, फ्लाइट से भेजा था, जस्ट बिकॉज क्या आइडा मार्टिन सर वेन जब ग्राउंड बना रहे थे, एसोसिएशन बना रहे थे, उन्होंने ये नहीं बोला था मेरा नाम चाहिए वो ग्राउंड पे। ही डिड नॉट डू इट फॉर हिज नेम से, उन्होंने उनका नाम अपने नाम के लिए वो काम नहीं किया है। उन्होंने काम किया सिर्फ अपने लाइक यू नो कि यहाँ का गुलबर्गा का फुटबॉल पढ़े, और वह इनका उनको यंगस्टर्स से बहुत लगाव है, बच्चों से, और लाइक यू नो कि उनको अच्छा लगता है। आफ्टर वो अपने काम से आते, व्हेन ही कम्स डाउन एंड ऑल दैट, व्हेन ही गोस टू द ग्राउंड, हम लोग उनको एक एज एन ऑफिसर रिस्पेक्ट ऑलवेज दिल में भी है, लाइक यू नो दिमाग में भी है, बट जब वो ग्राउंड पे आते तो ऐसा नहीं लगता कि लाइक यू नो ऐसा लगता है हाँ प्लेयर। सो उनका स्पोर्टिंग स्पिरिट इतने डाउन टू अर्थ है, और उन्होंने इतना बच्चों को गाइडेंस दी। कितनी बार ऐसा होता था कि छोटी मोटी लड़ाइयां हो जाती थी ग्राउंड पे या जो भी होता था, उनको सपोर्ट करना, फिर टूर्नामेंट्स के बारे में डिस्कस करना, ये टीम अच्छी क्यों नहीं खेल रही, वो प्लेयर अंडर 14 की मिनी स्टेट ओलंपिक्स लड़कियों की टीम जा चुकी है, वहां पे लड़कियों की टीम जब गई अपने जेब से पैसा देके गए थे, छोटे छोटे बच्चे, क्या कोई स्पॉन्सर आया था? नहीं आया था। राफे जब गया और वापस आया, एक कोई भी पॉलिटिशियन बोल के आई राफे तुम इंडिया जाकर आए हो बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो करो, कुछ भी नहीं। स्कूल्स से सपोर्ट कहीं पे भी नहीं, कहीं से तो कुछ मिलता नहीं। उनके डैड आज भी बोलते ये मेरा बच्चा जाके आया कुछ है कि नहीं है, लेकिन नो किसी ने कुछ किया ही नहीं। फरहान सर मतलब छोड़ो, करे या ना करे अपना काम है, आगे बढ़ना। अभी भी हम वो बच्चे के आगे पीछे लगे हुए, अभी ये देखिए वो एक गया था और अब 15 बच्चे जा रहे हैं, वो भी क्या खेलने के लिए, आई लीग कोई मजाक नहीं, ये भी बहुत बड़ा लेवल का टूर्नामेंट है। 2 महीने वो बच्चे वहां रहने वाले बिगर अपने माँ बाप के, माँ बाप का इतना अच्छा सपोर्ट है गुलबर्गा के अंदर, जो हमारे साथ माँ बाप जुड़े हुए राइट नाउ, वी रियली थैंक देम आल्सो टू बी ऑनेस्ट। बट हमारा कहने का मतलब है कि ये जो गुलबर्गा में है, मार्टिन सर देखिए नाम डज मैटर, व्हाई इट मैटर्स इज बिकॉज वी आर नॉट सेइंग मार्टिन सर का नाम रख दो, वी आर नॉट सेइंग लाइक हकीम सर का नाम रख दो, वी आर नॉट सेइंग कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन या KDFA का नाम रख दो या गुलबर्गा का नाम रख दो। व्हाट वी से इज, अभी इतना सुनने के बाद अगर आप भी मेरी जगह पे हो और आप ट्रू पॉलिटिशियन हैं तो आप खुद भी चाहेंगे कि नहीं ये आदमी सही बोल रहा है, आप यही नाम रखो। अगर वो सही है तो फिर वही करें। हम किसी से लाइक वी आर नॉट इन दैट काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट के लाइक ऐसा वैसा, हम लोग वी आर स्पोर्ट्समैन, वी डोंट टीच पीपल टू फाइट एंड दिस एंड दैट एंड डू आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दैट। वी आर हियर फॉर अ पीस प्रोटेस्ट इन दैट के वी जस्ट वॉन्ट के सी इट्स, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या सोच रहे थे। तो ये जिन्होंने काम किया है अगर उन्हीं का किन्हीं का नाम आ जाए तो हमको भी दिल में खुशी होगी, तो उससे कम से कम काम करना। कितने नाम प्रपोजल आप KDFA की तरफ से कितने नाम प्रपोजल दिया? हम देखिए एक तो हकीम सर के नाम से हो एक पहला, दूसरा आइडा मार्टिन सर के नाम से हो वो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल KDFA के नाम से भी कर दे, क्योंकि अभी आज अगर आप देखोगे 600 बच्चे KDFA में, KDFA सब जगह गुलबर्गा के अंदर KDFA के नाम से लोग जानते हैं, तो और उसका एक ब्रांड बन रहा है, ब्रांड क्यों और क्यों बन रहा है, कोई मकसद से कोई मतलब से नहीं है। फरहान सर जिस तरह से अभी आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि जहां पर भी क्रिकेट मैच चलते हैं वहां पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को वहां पर स्पॉन्सर करते हुए देखा जाता है, फुटबॉल जब वहां पर टूर्नामेंट्स होते हैं तो स्पॉन्सर करना तो दूर, उनको अप्रिसिएट भी नहीं किया जाता, वो तरफ देखा तक नहीं जाता, क्या वजह होगी इसकी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? वेल ऐसा भी हो सकता है, देखिए कहीं ना कहीं पे मैं ये बोलूंगा कि मे बी फुटबॉल को गुलबर्गा में रिसेंटली था, मतलब फुटबॉल का इतना क्रेज था नहीं, और कहीं पे भी क्रिकेट का टूर्नामेंट अनाउंसमेंट आप कर दो या क्रिकेट का ग्राउंड पे अगर अनाउंसमेंट कर दोगे तो 500 की पब्लिक मिल जाएगी, और ये पॉलिटिशियंस के लिए बेटर हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। बट व्हेन फुटबॉल का टूर्नामेंट हो तो आपको मिलेगी, मेरे ख्याल से मैं जबकि बात बता रहा हूँ, एक 50 पब्लिक भी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ अब फुटबॉल टूर्नामेंट अगर आप करें, इफ यू ऑर्गेनाइज एनी काइंड ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट, लिटरली जितनी क्रिकेट में तो पब्लिक नहीं मिलेगी ना, उससे ज्यादा फुटबॉल में आपको देखने मिलेगा। फुटबॉल इज एन एक्साइटिंग गेम, और वो कब देखने मिलता है, जब व्हेन यू हैव एन एक्साइटिंग मैचेस। आज बच्चे वो डेवलपमेंट स्टेज पे ऐसे हैं कि वो हर बच्चा भी गुलबर्गा का जो छोटा बच्चा इतना अच्छा खेल रहा है, सो मे बी दैट इज वन रीजन के यू नो बिकॉज व्हाई पीपल वांट अस टू मच ऑफ पब्लिसिटी, या तो फिर लोग ज्यादा होना चाहिए, क्राउड ज्यादा होना चाहिए तो ही टूर्नामेंट वर्थ होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्राउड ज्यादा है टूर्नामेंट वो इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाए, हमारा फुटबॉल का मकसद क्या होता है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का, कि बच्चों को एक्सपोजर मिले, बच्चे उससे कुछ सीखे और फिर आगे जाके खेले। यहाँ पर क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है वो पब्लिसिटी होती है, उसके अंदर वो डेवलपमेंट से कुछ लेना देना है या नहीं मैं नहीं जानता, आई डू नॉट वांट टू गो अगेंस्ट क्रिकेट, इट इज ऑल्सो वेरी गुड स्पोर्ट, मैं उसके बारे में कोई नो कमेंट्स, बट कहने का मतलब ये कि हम भी चाहते हैं कि गुलबर्गा में भी ऐसा कोई स्पॉन्सर्स। आपका ये बोलना है कि जिस तरह से इंटरेस्ट क्रिकेट में दिखाया जाता है फुटबॉल को भी उस तरीके से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के इतने सारे टूर्नामेंट हो, एक भी बच्चा इंडिया खेला क्या?
आगे खेले, मेरी खुद की दुआ है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर फुटबॉल से भी जाए तो इंडिया क्रिकेट से भी जाए, लेकिन यहाँ पे हमने प्रूफ तो किया ना, विदाउट ग्राउंड विदाउट प्रॉपर फैसिलिटी एटलीस्ट वी टुक वन एटलीस्ट. सो व्हाट वाज द बेनिफिट, व्हाट वाज द रिटर्न व्हाट वी गॉट, नथिंग. बहरहाल जिस तरह से अभी आप तमाम चीजों पर बात किए हैं, बहुत अच्छी तरह से आप अपने इश्यूज को यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, तो आखिरी में क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग, अगर आपको जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इसे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि वी आर, जो भी हमको सुन रहा है या देख रहा है, प्लीज डू नॉट टेक अस नेगेटिव, डू नॉट थिंक दैट वी आर हियर फॉर काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट और फाइट और समथिंग, नो नथिंग लाइक दैट. वी आर स्पोर्ट्समैन, वी ओनली बिलीव वन थिंग दैट इट इज ऑल अबाउट यूनिटी. हम चाहते हैं कि गुलबर्गा के फुटबॉल को सपोर्ट किया जाए और कोई ऐसे नाम का डिस्कस किया जाए जहां पे वो फुटबॉल जो स्टेडियम है वो बच्चों को एक इंस्पायर करे, वो इंस्पिरेशन हो. आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन जितने भी हैं उन्होंने काम किया है, सर्विस किया है, बट अगर स्पोर्ट्स के लिए या फुटबॉल के लिए कुछ किया होता तो वी वुड अप्रिशिएट इट, डेफिनेटली हमको अच्छा लगता था. लेकिन अगर हम हमारे ये रिक्वेस्ट को छोड़ के अगर फिर भी वही नाम रखा जाए तो हमको अच्छा नहीं लगेगा. बहरहाल जिस तरह से अभी आप लोग सुन रहे थे यहाँ पर कलबुर्गी फुटबॉल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तमाम जिम्मेदार गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में बैठे हैं, या तमाम लोगों का जो इशू है, गुलबर्गा में एक फुटबॉल स्टेडियम तैयार हुआ है जिसका अभी तक इनॉग्रेशन नहीं किया गया क्योंकि उसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है. तो ये नाम का जो इशू है इस पर मोहतरमा कनीस फातिमा की तरफ से कमरुल इस्लाम का नाम रखने का प्रपोजल दिया गया है. वहीं दूसरी तरफ फुटबॉल एसोसिएशन के तमाम जिम्मेदार ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी पॉलिटिशियंस का फुटबॉल के लिए कोई योगदान नहीं रहा है, और अगर इंस्पिरेशन के लिए जो फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं बच्चे, उनके इंस्पिरेशन के लिए यहाँ पर जो फुटबॉल के लिए अपना वक्त दिए हैं, जो फुटबॉल के लिए अपना टाइम दिए हैं, फुटबॉल में अपना योगदान दिए हैं, उन लोगों का नाम रखना चाहिए. जैसे कि हकीम सर हैं जो फुटबॉल के लिए मेहनत किए हैं, एडम एडिन सर, उनका भी नाम रखने का ये लोग प्रपोजल दे रहे हैं. तीसरा जो इनका ऑप्शन है कलबुर्गी फुटबॉल स्टेडियम भी अगर रखेंगे तो इनको कोई एतराज नहीं है. तो बहरहाल ये तमाम चीजों पर आगे पॉलिटिशियंस क्या इसके ऊपर, गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर स्टेप उठाती है, हम लोग उसका इंतजार करेंगे. दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा.